वही है ना, उसके साइड में लेकर फोटो खिंचवाना। कौन है ये लोग? वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और मैं आ गया हूँ आज इंडिया गेट पे। ये देख रहे हो पीछे, ये अपने आप देख रहे हो पीछे चार फ्लैग दिख रहे हैं आपको, फोर फ्लैग दिख रहे हैं। एक इंडिया का है और तीन अपने सेनाओं के हैं। तो तीन सेनाओं के हैं वो एक लाइन एक लेवल पे हैं, और जो अपना इंडियन फ्लैग है वो ऊँचे पे है। और ये है, मैं अभी खड़ा हूँ नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर, जो कि अभी न्यू डेवलप हुआ है और जो देख के ना काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। ये आप पीछे देख रहे हो, ये सारे जितने भी नाम लिखे हुए दिख रहे हैं आपको मेरे पीछे, ये सब में उनके नाम है। और ये जो नाम है ना, पूरे सर्किल में काफ़ी बड़ा सर्किल बना हुआ है और सभी जगह लिखे हुए हैं, एक एक पोर्शन से। देखो मैं एक पोर्शन दिखा देता हूँ आपको इसके सामने का। तो मैं यही आपको आज दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये ना काफ़ी बड़ा बना है और काफ़ी अच्छे से बना है, क्योंकि न्यू डेवलप हुआ है। तो आप देख सकते हो मस्त नज़ारा है, एक नंबर। तो इंडिया गेट सामने दिख रहा है। अब ये इंडिया गेट के एकदम सामने थोड़ा हट के बनाया है। और इस पहले क्या था, इंडिया गेट पे सब कुछ लिखा हुआ था, जैसे कि ये नाम लिखे हुए हैं सभी के उधर, जो भी हमारे शहीद जवान, जितने भी शहीद हमारे जवान, सभी के नाम थे उधर उस इंडिया गेट पे। लेकिन अभी क्या है, ऐसे एक एक पोर्शन बना दिया है, काफ़ी सारे पोर्शन है। मैं सारे दिखा भी नहीं पाऊँगा, इतने हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी लंबा सर्किल बनाया है ये, और काफ़ी अच्छे से। और इतने नाम उस पर नहीं दिखते थे मेरे को इंडिया गेट में, पहले भी आया था तो मेरे को इतने नहीं दिखे थे, लेकिन अभी मैं जो देख पा रहा हूँ ना, इतने नाम बहुत ज़्यादा हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि शहीदों के प्रति इतना कुछ दिखाया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। तो देख के ये न्यू अच्छे तरीके से बनाया, जो पहले था अब अपने ज़माने का बनाया, जो कि देख के काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। तो देखो जैसे कि ये ना एक एक ऐसे एक एक दीवार सी बना रखी है, मतलब डिवाइड कर रखी है। ये यहाँ से स्टार्ट होती है और ये वहाँ तक है, देख रहे हो। ऐसे ना कई सारे बने हुए हैं आगे पीछे आगे पीछे। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा दूँ इस वीडियो में, तो आप देख सको मेरे साथ। जहाँ से भी आप देख रहे हो बताओ कैसा लगा, और कुछ जानना चाहते हो और कुछ भी कमेंट करके बताओ। वीडियो को पूरी देखना, काफ़ी अच्छे से बनाई है, काफ़ी मेहनत लगती है। और लाइक कमेंट करके बताया करो, और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, जब भी तो अच्छा लगता है मेरे को नई नई वीडियो बनाने में। करो फिर लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और बताओ वीडियो को। फिर सेट हो रहा है, मतलब शाम के 5 बज रहे हैं। तो अभी जैसे सन अभी पूरा कम चला जाएगा तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है। अच्छे फाउंटेन लगाए छोटे छोटे, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये फुलवाड़ी, और ये इतने मस्त मस्त व्यू बनाया है ना, मस्त। तो मैं इसके एंट्री गेट पे दिखाते हैं आगे का नज़ारा, मेन फ्रंट से दिखाता हूँ मैं आपको। ये है देखो इसका फ्रंट व्यू, मैं आगे से दिखाता हूँ। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे खड़ी हुई है, बट कोशिश करूँगा। अच्छा लग रहा है भाई देख के एकदम। देखो यहाँ पे ना सारी इस रक्ष मतलब ये रक्ष चक्र है, चारों तरफ में ट्री लगे हुए हैं छोटे छोटे से। ये फुलवाड़, ये पेड़ देखे ना, चारों तरफ आपको ट्री मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक रक्षक चक्र, तो सारे इस रक्षक मतलब ये पूरा रक्षक चक्र बना हुआ है एक सर्किल में। और ये देख रहे हो पीछे एक तरीके से ऐसे ऐसे एक ब्रिक्स जो ये एक मतलब एक तरीके से एक नाम लिखा हुआ है इसी पे। मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा सनसेट हो जाए कम्प्लीटली, तो उसमें थोड़ा अच्छा व्यू आपको मैं दिखा पाऊँ इंडिया गेट का और जहाँ मैं हूँ अभी वहाँ का भी। तो ये देखो, ये कम्प्लीटली मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसके चारों तरफ सर्किल में एक तरीके से ट्री लगाए गए हैं काफ़ी सारे, जिनका मतलब यही है जो मेरे को यहाँ से पता चला है कि एक एक मतलब जैसे कि इस पर नाम लिखे हुए हैं जवानों के, सारे शहीद जवानों के, तो उसके हिसाब से ये ना यहाँ पे ट्री लगाए गए हैं। तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। और जहाँ से यहाँ तक पब्लिक है, काफ़ी आर्मी भी लगी हुई है और काफ़ी सारी सिक्योरिटी भी है, लेकिन पब्लिक ना जब भी नहीं मानती। बोला गया कि जो चीज़ें हैं उनको ना, उन पे ना बैठें, उनसे ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, पर लोग वाक ना ख़ास तौर से उसी में जाके घुसेंगे और उसमें बैठेंगे जाके, पता नहीं क्यों। जब इतना अच्छा बनाया तो उसे मेंटेन भी करने दो। ये देख रहे हो, ये पीछे कहीं से भी निकल कर आ रहे हैं। बोला गया बीच में मत निकलो भाई, पर जहाँ से मन कर रहा है वो कहीं से भी निकलने वाला है। अब आर्मी वाले डांट भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, पर नहीं आती किसी की समझ में। पेड़ जो इतने अच्छे लगाए, इतना मेंटेन कराया, वो बोलने के उसके पास लीजर का छेड़ना, लेकिन करना तो वही है ना, उसकी साइड पे लेट के फ़ोटो खिंचवाना। घूम लिया मैंने, जितना कवर कर सकता था कर दिया। अब मैं इंडिया गेट पे जा रहा हूँ, वहाँ का थोड़ा दिखाता हूँ आपको कि अभी कैसा हो गया है जैसे कि पहले पे था। मस्त नज़ारा, एक नंबर। और ये हम यहाँ सब एग्जिट करते हुए, इधर भी ये फुल पार्क एरिया बनाया और ये देखो फाउंटेन लगा हुआ काफ़ी अच्छा। ये मैं ये बस यही बोल रहा हूँ कि काफ़ी बड़ा बना हुआ, बहुत काफ़ी बड़ा सर्किल बनाया है और काफ़ी इतना अच्छे से मेंटेन किया है। और साफ सफाई देख रहे हो आप, फुलवाड़ी, पेड़ कितने अच्छे लगाए हैं। बस यही है, यही सजेस्ट करूँगा भाई, अगर अच्छे से कुछ चीज़ें मेंटेन हो रही हैं तो आप भी सपोर्ट करो। अगर आप यहाँ देखने आ रहे हो तो भाई जैसा वो कह रहे हैं वैसा सब कीप सपोर्टिंग और अच्छे से मेंटेन रखो, जो कि आने वाले कल के लिए अच्छा रहे और देखें लोग कि हाँ भाई कुछ है चीज़ जो बनाया एकदम मस्त। पिंग भी लगाई हुई है। ये देखो, यहाँ से मैं बिल्कुल एंड वाली लेयर पे खड़ा हूँ अभी, बाहर की साइड। तो यहाँ से आप देखो, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। इधर ये फ्लैग्स लगे हुए हैं अपनी तीनों सेनाओं के और अपना इंडियन फ्लैग। और ये इधर ये बीच में देखो, ये अमर ज्योति, जहाँ पर ज्योत हमेशा जलती रहती है, मैंने जैसा कि आपको दिखाया है। और ये आपका इधर इंडिया गेट आ गया, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे होगा इधर से। तो यहाँ से एग्ज़िट, और अब चलता हूँ इंडिया गेट की साइड। एग्ज़िट हो रहा है और अभी हम जा रहे हैं इंडिया गेट की साइड। पर भी कुछ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही है क्या। ये है तुम्हारा स्मारिका, देखो कुछ। मैं ले चलता हूँ इस मार्केट के अंदर, शायद जा सकते हैं। मैं इसके अंदर गया और घूम कर आया, अंदर शायद वीडियो बनाना अलाउ नहीं है तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो अभी मैं एग्जिट कर लेता हूँ यहाँ से। पीछे देख रहे हो ऑपरेशन विजय 1999, इसमें थोड़ा परमवीर चक्र 0, महावीर चक्र और वीर चक्र। ऑपरेशन विजय 1999। ये देख रहे हो आप, ये जिसके भी समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताओ इसमें क्या क्या बताया जा रहा है। मैं भी कोशिश करूँगा कुछ जो मेरी समझ में आएगा मैं आपको बताऊँगा। इसमें क्या है कि ना सारी जानकारी लिखी हुई है कि कब कहाँ किसको क्या कब लड़ाई हुई है और यहाँ पे कब कब लड़ाई और कब कहाँ किस पे कब्जा हुआ। ये राजौरी का कब्जा हुआ था 1948 में। और ये अपना इंडिया का मैप, और ये हैदराबाद का कब्जा मतलब, और गोवा की आज़ादी 1961 और रेजांग की लड़ाई 1962। तो भैया पढ़ो और कमेंट करके बताओ। हम तुम्हें भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 और ये युद्ध सम्मान में 16, थिएटर सम्मान 03, परमवीर चक्र 02। कोशिश करूँगा मैं सब कुछ कवर करने का। माता ने अभी तक दिखाया वो आपको सारा जो जो यहाँ लिख रखा है, काफ़ी चीज़ें लिख रखी हैं भाई। पढ़ने के लिए ना काफ़ी कुछ जानकारी ले सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो। इतनी चीज़ें अच्छे अच्छे से लिखी हुई हैं कि कब कहाँ किस पे युद्ध हुआ, कब किससे लड़ाई हुई, कब यह है हाजी वीर की लड़ाई, भारत पाकिस्तान युद्ध दौरान लड़ेगी भीषण लड़ाइयाँ। ये देखो भैया कितना मस्त नज़र लग रहा है। ये लाइटें ना अभी ऑन तो हो गई हैं और मस्त होने वाली हैं। लग रहा है नाइट का नज़ारा कुछ अलग ही होता होगा। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो गया तो मैं रुका तो दिखाऊंगा। हम एग्जिट इधर से और ये पीछे मैंने लाइटें वाइटें सब जितना बना रखा मैंने भाई, जहाँ तक मेरे से हो सकता है मैंने आपको दिखाया। अगर कुछ छूट गया तो कमेंट करके बताओ। अगर कोई घूम के जा रहा है वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है कमेंट के थ्रू। और वीडियो अच्छी लग रही तो भैया लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो भैया।